दोस्तों, आप लोगों ने ब्रूस ली के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली के बारे में बताएंगे, जिसकी मृत्यु भी ब्रूस ली की तरह बहुत कम उम्र में हो गई थी। ब्रूस ली की मृत्यु एंटर द ड्रैगन मूवी के रिलीज होने के 6 दिन पहले ही हुई थी, तो वहीं ब्रैंडन ली की मृत्यु द क्रो मूवी रिलीज होने के मात्र 8 दिन पहले हुई थी। दोस्तों, ये कोई संयोग था या फिर ली परिवार के खिलाफ कोई षड्यंत्र, आज हम आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। 20 जुलाई 1973 को 32 साल की उम्र में जब ब्रूस ली की मौत हो गई तो उनके फैंस को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और उन्होंने जांच की मांग की, लेकिन डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि सिरदर्द की दवाई खाने की वजह से ब्रूस ली के दिमाग में सूजन आ गया और उसकी वजह से ब्रूस ली की मृत्यु हो गई। लेकिन ब्रूस ली के करीबियों का मानना था कि ब्रूस ली का अफेयर उनकी फिल्म की हीरोइन टिंग के साथ चल रहा था और ब्रूस ली इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते थे, जिस वजह से बदले की भावना में टिंग ने ब्रूस ली को एक घातक दवा दी थी और जिसकी वजह से ब्रूस ली की मौत हो गई थी। वहीं अन्य करीबियों का मानना था कि ब्रूस ली और उनके बिजनेस पार्टनर ने एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी और इस कंपनी के द्वारा बनी फिल्में सुपरहिट हो रही थी, जिस वजह से उनके पार्टनर ने उन्हें दवा की ओवरडोज देकर हत्या करवा दी। इसी तरह ब्रूस ली की मौत के कुछ और भी मुद्दे सुर्खियों में थे, लेकिन कुछ दिनों जाँच चलने के बाद सारे मुद्दे और रहस्य ब्रूस ली के साथ ही दफन हो गए। कुछ इसी तरह की घटना उनके बेटे ब्रैंडन ली के साथ घटी। ब्रूस ली की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय ब्रैंडन ली की उम्र बहुत छोटी थी। हालांकि ब्रैंडन ली अपने पिता की तरह मार्शल आर्ट्स और कुंग फू में उतना एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन अच्छा एक्टर थे जो हर तरह के रोल अदा करने में माहिर थे। 31 मार्च 1993 को महज 28 साल की उम्र में ब्रैंडन ली की भी मृत्यु हो गई थी। ब्रैंडन ली की मृत्यु भी मूवी के रिलीज होने के महज 8 दिन पहले हुई थी। दरअसल हुआ ये था, द क्रो मूवी के एंडिंग सीन की शूटिंग चल रही थी और ब्रैंडन ली को नकली गन से शूट किया जाने वाला एक सीन था, लेकिन उस नकली गन के बुलेट में असली गन पाउडर भर दिया गया था, जिस वजह से शॉटगन से चली गोली से ब्रैंडन ली पूरी तरह से जख्मी हो गए और कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस नकली बुलेट में असली गन पाउडर किसने भरा। ब्रूस ली की तरह ही उनके बेटे ब्रैंडन ली की मौत का रहस्य भी ब्रैंडन ली के साथ दफन हो गया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ब्रूस ली और उनके बेटे की मौत क्या एक संयोग था या फिर कोई षड्यंत्र है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।